Since childhood, I had interest in science and these numbers always fascinated me. So I decided to... Hello friends, my name is Yogi Kakadia. I am studying in class 12th. I am from Surat. I joined Akash Institute for 2-year integrated classroom program for JEE Mains and Advanced in 2024. मुझे आकाश के बारे में मेरे दोस्तों और मेरी एक जो बहन है वो यहाँ से पास आउट थी तो उसने बताया था और मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था कि आकाश के बहुत सारे एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं तो मैंने डिसीजन लिया कि आकाश मेरे लिए सही हो। Since childhood, I had interest in science and these numbers always fascinated me. So I decided to go for engineering. और मेरे घर में कोई engineering में से था नहीं तो मैंने सोचा कि engineering ले लेता। I did not do anything extraordinary for my preparation. Just did what my teachers guided me throughout the journey. There were many ups and downs in my journey, but in starting I was facing time management problem and I had score very low also sometimes. But after coming in 12th, I increased my study hours and I asked whatever problem I was facing to teachers and then I overcome this fear. Self-study और combined study के अपने अपने benefits हैं। जैसे कि मैं मेरी बात करूँ, self-study मैं ज़्यादा prefer करूँगा क्योंकि वहाँ पे आप अकेले cool mind रख के बिना किसी distraction के तैयारी कर सकते हो। और combined study के भी अपने advantage और disadvantage है। combined study में जब लोग साथ मिलके करते हैं तैयारी तब पता चलता है कि क्या क्या नए कंसेप्ट आए हैं, क्या करना चाहिए, क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है। और डिसएडवांटेज ये है कि उसमें टाइम भी कभी कभी चला जाता है तो पता नहीं चलता। मैंने बोर्ड्स के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं की थी। जब क्लास में कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे थे तब मैं डेरिवेशन पे ध्यान देता था जिससे मेरी बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन जेई मेंस और एडवांस के साथ ही हो जाती थी। मेरा कोई ऐसे स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं था। मैं आज से ही सेट कर लेता था कि कल सुबह मेरे को क्या करना है, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, कितने घंटे रिवाइज करना है और ट्यूशन से आने के बाद क्या करना है, ये सब मेरा शेड्यूल था। 11th और 12th में आकाश की तरफ से 6-6 टारगेट पर सब्जेक्ट दिए गए थे और फिर स्पॉटलाइट का मटेरियल, अचीवर, मैग्नेट, ये सारे मटेरियल भी थे जिसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन कवर हो रहे थे जिससे एग्जाम में हमें ऐसा नहीं लगे कि ये कुछ नया ही आ गया। और ये सारे मटेरियल मैं टाइम टू टाइम करता रहा जिससे मेरे PYQ भी होते रहे। आकाश की मेरी जर्नी बहुत जॉयफुल रही है। मेरा जब भी क्लासेस छूट जाते थे तो आई ट्यूटर मेरे पास एक सेकेंड ऑप्शन था। जब भी मेरे बैकलॉग होते थे मैं रिवाइज करके कवर कर पाता था और आकाश एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कंडक्ट करता है जिससे मुझे पता चलता है कि मैं इंडिया में कहाँ स्टैंड करता हूँ। मेरी जेई की जर्नी में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। जब भी मैं एग्ज़ाम दे के बाहर आता था तब मेरे टीचर्स मुझसे मिलते थे और पूछते थे क्या हुआ, कैसा गया, फीडबैक लेते थे, वीक क्या हुआ एनालाइज करवाते थे। इसलिए ये सब का क्रेडिट मैं मेरे टीचर्स को देना चाहूँगा। मेरी जेई की जर्नी में मेरे पेरेंट्स का भी उतना अहम रोल रहा है जितना मेरे टीचर्स का रहा है। जब भी मेरे अप्स एंड डाउन्स आते थे तब उन्होंने मुझे सिखाया कि बैलेंस कैसे करना है।